विभिन्न समुदायों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है और यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच जो सहयोग की भावना है, जो अपनेपन की भावना है, जो बंधुत्व की भावना है, वही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता का उदाहरण हम केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी फैमिली से भी दे सकते हैं। आप देखते हैं केंद्रीय विद्यालय को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय विद्यालय में अनेक राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, अनेक जो राज्य वहां से शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे बीच सहयोग की भावना है, हमारे बीच अपनेपन की भावना है, यही राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता इसी परिवार से शुरू होती है और जब हम इसको, इस भावना को नेशनल लेवल पर हमारे दिल में समाहित करते हैं, हम राष्ट्रीय लेवल पे जब ये बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, तो राष्ट्रीय एकता का जो सपना है वो निश्चित रूप से साकार होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले 31 अक्टूबर 2014 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषित किया गया कि 2014 से ही हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से ही हम लगातार प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं, तो हमें थोड़ा इतिहास यहाँ पे जानना होगा। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी। अंग्रेज भारत से चले गए, अंग्रेजों ने लगभग भारत में 200 सालों तक शासन किया, लगभग 200 सालों तक शासन किया और उन्होंने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फॉलो किया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, वह यहाँ से जाने वाले थे, उसके बाद भी जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी उनके बीच भारत में बह गए, क्योंकि स्वतंत्रता के समय उन्होंने जो देसी रियासतें थी, जो देसी राजा थे, उनको ये ऑप्शन दिए कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। जो दोनों ही पहले ऑप्शन थे वह राष्ट्रीय एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए खतरा थे, क्योंकि अगर भारत में शामिल होते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान में शामिल होते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो ये जो दोनों राष्ट्रीय एकता और हमारी जो अखंडता है उसके लिए प्रबल खतरा था। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस एकीकरण का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कौशल से ये निश्चय किया कि मैं निश्चित रूप से अखंड भारत का निर्माण करूंगा, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सभी राजाओं को समझाया भारत में शामिल होने के लिए। वो दिन रात मेहनत करके जो अगस्त 1947 में राष्ट्रीय एकीकरण जो प्रक्रिया उनके नेतृत्व में शुरू हुई थी, उन्होंने दिन रात राजाओं को समझा के दिन रात मेहनत करके भारत एक अखंड भारत का निर्माण किया। और उसके बाद हम देखेंगे केवल 3 ही ऐसे राज्य थे उस टाइम पे, 3 ही ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने जो अखंड भारत का सपना अपने दिलों में सजा रखा था उसको वो पूर्ण करके ही मारे। उसके बाद हैदराबाद का जो निजाम था, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसका मित्र था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना है। लेकिन इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारतीय आर्मी थी उसको आदेश दिया और रात में जो हैदराबाद का निजाम था उसके खिलाफ एक स्पेशल कैंपेन चलाया, ऑपरेशन फॉलो, और पूरी भारतीय आर्मी हैदराबाद में पहुंच जाती है और भारतीय आर्मी की शक्ति को देख के जो हैदराबाद का निजाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद ही भारत में शामिल हो गया। उसके बाद जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ का जो नवाब था, महाबल था, वही उसको भी जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने ऐसे रंगीन सपने दिखा रहे थे कि अगर आप पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आपको ये पद दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वही फंडिंग को रहा था। लेकिन वहां की जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी वो भारत के पक्ष में शामिल होना चाहती थी, तो वहां पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रिया
पूरा हुआ और वहां के 90% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया। उसके बाद जो अंतिम रियासत थी कश्मीर, उस टाइम पे कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। उस टाइम पे सरदार पटेल ने बहुत प्रयास किया कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए, लेकिन कुछ आंतरिक मतभेदों की वजह से अभी तक वह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। तो भारत की एकता और अखंडता में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ही भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है उनके जन्म दिवस पर। इसीलिए हम प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस पर जो विद्यालय है उनमें बहुत सारे कम्पिटिशन आयोजित किया जाते हैं, इसी क्रम में इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं वैष्णवी क्लास 12 को आमंत्रित करता हूँ, वह आपको आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है वैष्णवी।